गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन ना कोर्ट कचहरी होगी और ना कोई कानून होगा, कोई लोकशाही नहीं होगी, कोई संविधान नहीं रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर के भारत माता मंदिर में दिया है। इस मंदिर को राज्य का पहला भारत माता मंदिर माना जाता है। जिस वक्त नितिन पटेल ने यह बयान दिया था उस समय राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा और बीएचपी व आरएसएस के शीर्ष नेता मौजूद थे। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसे करें, मेरे शब्दों को लिखकर रख लें। संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून आदि की बात करने वाले ऐसे तब तक करेंगे जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटती है, दूसरों की वृद्धि होती है, तब न धर्मनिरपेक्षता, न लोकसभा, न संविधान, सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने अंत में कहा कि मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे यह भी साफ कर देना चाहिए कि लाखों मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं, गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं और वे सभी देशभक्त हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।